बेंगलुरु से गोवा जा रहे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। इंटरनेशनल फ्लाइट की जामनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग। प्लेन में 236 यात्री थे सवार। यात्रियों की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। मामले में हो रही है जांच। जामनगर एयरपोर्ट को किया गया कॉर्डन। रूस से गोवा जा रहे प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। यात्रियों की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। इस वक्त की बड़ी खबर जामनगर से। यात्रियों की जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग। मामले में हो रही है जांच। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता अबू तलहा। अबू तलहा, क्या हुआ था, क्या तकनीकी परेशानी आई थी या किस तरह की परेशानियों के चलते इमरजेंसी लैंडिंग हुई? देखिए आसिफा, बिल्कुल आपको बता देते हैं, मॉस्को से गोवा आ रही थी फ्लाइट, उसमें बम की सूचना मिली जिसके बाद उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई जामनगर में। और जामनगर में देखिए ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई और इसके बाद लगभग 236 यात्री और पायलट थे उसमें टोटल मिला के, जिनको बाहर निकाला गया सुरक्षित। और तुरंत एनएसजी की टीम साथ साथ जो लोकल पुलिस है, तमाम अधिकारी है, वो मौके पर पहुंच गए और उन्होंने तमाम जाँच की। फिलहाल देखिए 6 घंटे ये जाँच चली। एनएसजी की टीम ने पूरे प्लेन में सर्च ऑपरेशन चलाया और बम की जो सूचना थी उसको ढूंढा गया। पर देखिए बम पूरे प्लेन में नहीं मिला, पर तब भी एहतियात के तौर पर जो फ्लाइट है उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और तमाम जो यात्री है उनको सुरक्षित वहां से उतार लिया गया था। और 6 घंटे तक लगभग ये जांच की। और आपको बता दें कि ओजूर की फ्लाइट थी ये जिसमें ये बम की सूचना मिली थी। दिल्ली से बैठे एक अधिकारी ने सूचना दी थी, उसके बाद ही उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फिलहाल अब देखिए जो सूचना मिली थी वो कहीं ना कहीं अफवाह बताई जा रही है और अब जो हालात हैं वो पूरी तरह से काबू में हैं। जी आसिफा, अबू तलहा, किस तरह ये अफवाह फैली, इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? देखिए अगर आपको बता दें तो एक अधिकारी द्वारा ऐसी सूचना मिली थी कि फ्लाइट में बम है, जिसके बाद तुरंत उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। और फिलहाल जो जहां से ये सूचना आई थी उनसे भी बातचीत की गई। और देखिए जिसकी तरफ से ये सूचना आई थी वो भी एक अधिकारी बताए जा रहे हैं, तो ऐसा है मैं उनके ऊपर तो कोई उस तरह का वो शक नहीं करता। पर देखिए तमाम चीजों की अधिकारी जांच करते हैं और देखिए अगर इस तरह की सूचना मिलती भी है तो एहतियात के तौर पर फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। और यही वजह थी कि उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी और उसमें अगर बता दें तो 8 क्रू मेंबर्स थे और लगभग 200 से ज्यादा यात्री मौजूद थे जब ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फिलहाल तुरंत तमाम लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और एनएसजी के साथ साथ तमाम अधिकारी और पुलिस की टीम वहां पर मौके पर पहुंची, जिसने और बॉम्ब स्क्वाड पहुंचे और जिसने पूरे प्लेन में सर्च ऑपरेशन जारी किया। और फिलहाल सर्च ऑपरेशन लगभग 6 घंटे का चला और 6 घंटे बाद उस पूरे प्लेन में कोई भी बम नहीं मिला। जी आसिफा, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे ये जानकारी साझा करने के लिए अबू तलहा।